अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में है। ये फाइनेंशियल रेशियो सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल रेशियोज की इम्पोर्टेंस क्या है। आखिर इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी करने से पहले इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज को क्यों चेक करते हैं? वट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजर्स, बिजनेस मैनेजर्स के लिए इसकी आखिर क्या इम्पोर्टेंस है? और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन का बहुत ही एक सिंपल आंसर है कि फाइनेंशियल रेशियोज एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से किसी भी कारोबार के बारे में मुकम्मल किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है, और ये ना सिर्फ इन्वेस्टर और मैनेजर को राइट डिसीजन में हेल्प करती है बल्कि उसके साथ साथ और उस शख्स के लिए बेनिफिशियल है जिसका किसी न किसी सूरत कंपनी से कोई ना कोई स्टेक यानी कि मफाद वाबस्ता होता है। हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फर्ज किया कंपनी ए एंड कंपनी बी, हमारे पास को कंपनीज हैं। अगर कंपनी ए का प्रॉफिट 20 करोड़ हो जबकि कंपनी बी का प्रॉफिट अगर 10 करोड़ हो, आपसे अगर ये पूछा जाए कि दोनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है, यकीनन आप कहेंगे कि कंपनी ए ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसका प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद प्रोवाइड की जाए कि कंपनी ए की सेल 80 करोड़ है जबकि कंपनी बी की सेल 25 करोड़ है, तो यकीनन आप अपनी राय चेंज कर लेंगे बिकॉज कंपनी बी का प्रॉफिट मार्जिन रेशियो अगर कैलकुलेट किया जाए तो 40% बनता है। इट मीन्स कि कंपनी बी ने 40% अर्न किया है जबकि कंपनी ए का अगर प्रॉफिट मार्जिन चेक किया जाए तो वो हमारे पास तकरीबन 25% बनता है। इट मीन्स कि कंपनी बी की सेल कम है लेकिन इसके बावजूद उसका जो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो ज़्यादा है कंपनी ए की नस्बत। बेशक कंपनी ए का प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें उसकी सेल के साथ तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो वो 25% बनता है। तो आप गौर करें कि हमने अब तक क्या किया है। एक्चुअली हमने प्रॉफिट एंड सेल दोनों का रिलेशनशिप डिवेल्प किया। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100 करें तो हम मैथमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने प्रॉफिट एंड सेल के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम किया। अब गौर करें कि आखिर हमने क्या किया है। एक्चुअली हमने प्रॉफिट और सेल के दरमियान एक रिलेशनशिप डिवेल्प किया, एक रिलेशनशिप एक ताल्लुक जो है वो कायम किया जिससे हमें पता चला कि इसकी प्रॉफिट मार्जिन रेशियो या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। हमने दो फाइनेंशियल फिगर यानी कि प्रॉफिट एंड सेल के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड किया है ताकि हम ये डिसीजन ले सकें कि कौन सी कंपनी बेटर है। आखिरकार हमने जान लिया कि कंपनी बी ज़्यादा बेटर है कंपनी ए की नस्बत। हम इसको एक और एग्जांपल की मदद से डिस्कस करते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमने दो कंपनीज को कंपेयर किया था लेकिन यहाँ पर हम एक कंपनी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम जी लिमिटेड की बात करेंगे जिसके करंट एसेट्स 2018 में 100 करोड़ हैं। करंट एसेट्स में कुछ भी हो सकता है जैसे कि कैश इन हैंड, बैंक में जो रकम पड़ी है, डिपॉजिट्स आपके, रिसीवेबल्स, स्टॉक्स वगैरह। लेकिन ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर हमें कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि 2017 में जी लिमिटेड के करंट एसेट्स अगर 80 करोड़ हों तो ये भी हमें कुछ फर्दर मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। जस्ट हमें यहाँ से इतना पता चलता है कि 2017 की नस्बत 2018 में इसके करंट एसेट्स में कुछ इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हमें मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि जी लिमिटेड की करंट लाइबिलिटीज एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 80 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 करोड़ तो इक्वल टू 2 times, ये हमें जाहिर करती है कि जी लिमिटेड की करंट रेशियो 2 times आ रही है जो कि बहुत गुड है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये हमारी लिक्विडिटी पोजीशन जी लिमिटेड की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है क्योंकि करंट रेशियो के लिए ज़रूरी है, क्योंकि करंट रेशियो के लिए स्टैंडर्ड है 1:1, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों अगर इक्वल हों तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छे साइन है। इसके मुकाबले पर अगर हम देखें 2018 को कंपेयर करें तो जी लिमिटेड की वहाँ पे जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं 120 हैं जबकि करंट एसेट्स 100 हैं।
रेल लिमिटेड की करंट रेशियो 0.83 बन रही है, जो कि स्टैंडर्ड रेशियो वन से कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट रेशियो में बता रही है कि रेल लिमिटेड की 2018 की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स है, बहुत ज़्यादा बैड है। सो हम कह सकते हैं कि रेशियोज हेल्प अस टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर्स इन अ लॉजिकल वे सो डैट वी कैन मेक अ डिसीजन और एनालिसिस। अगर हम रेशियो के यूजेस की बात करें, रेशियो के इस्तेमाल की बात करें, कि रेशियो के इस्तेमाल करके हम इजीली किसी भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, किसी भी कंपनी की जो कारकर्दगी है उसके तज्जिया कर सकते हैं, आसानी के साथ किसी भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ तो रेशियो की मदद से हम किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चला सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज की बात की जाए तो हम रेशियोज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो मेजर ब्रॉड कैटेगरीज हैं उसमें नंबर वन लिक्विडिटी पोजीशन, नंबर टू सॉल्वेंसी और लीवरेज रेशियो, नंबर थ्री इक्विटी रेशियोज, नंबर फोर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम हर रेशियो को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, तो उसके साथ साथ घंटे के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको बास आने मिल सके।